नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत नारायणपुर गंगा दियारा में नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कई थानों की पुलिस के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें भवानीपुर, खरीक नदी थाना, भीपुर और झंडापुर पुलिस के पदाधिकारी और जवान शामिल रहे। इस दौरान गंगा दियारा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मौजमा, गनौल, नारायणपुर, शाहपुर और चक्रामी गंगा दियारा में किसानों को साफ शब्दों में अपराधियों के दबाव में नहीं आने की बात पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कही गई। नवगछिया पुलिस ने किसानों को कहा कि यदि कोई भी अपराधी उन्हें सताता, धमकाता या रंगदारी मांगकर मारपीट करता है तो संबंधित थाना में आवेदन देकर इसकी शिकायत की जाए। वहीं इसको लेकर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि ऐसे किसी भी अपराधी के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे सजा भी दिलाई जाएगी। बता दें कि सोन वर्षा के कुख्यात कन्हैया चौधरी द्वारा चक्रामी दियारा के किसानों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसको लेकर एसपी शांत कुमार सरोज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर जहां अपराधियों को कड़ा संदेश दिया, वहीं किसानों को किसी भी अपराधी से नहीं डरने की बात कही। इधर हत्याकांड के फरार आरोपी कन्हैया चौधरी के बारे में एसपी ने कहा कि पुलिस जल्द ही कन्हैया चौधरी को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देगी। साथ ही एसपी ने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, जबकि भवानीपुर, भीपुर नदी थाना और खरीफ थाना की संयुक्त टीम दियारा में लगातार गश्ती और छापेमारी कर रही है। एक एक मतलब मैक्सिमम कहिए, जो जितना भी बादशाह था, किसान था, सबों से मिला। हमें खुशी हुई कि सभी किसान अपना खेती कर रहे थे, सिंचाई पटवन कर रहे थे, क्योंकि महिलाएं भी खेत में थी, जो कौनी जो कहते हैं घास उखाड़ना, कौनी करना, वो दवाई का छिड़काव कर रहे थे और पशुपालन से कर सबों से हमने बात किया। मतलब रिकॉर्डिंग में सबसे हमने बात किया, किसी ने हमें भी उसे कोई शिकायत नहीं की कि हमारे साथ कोई मारपीट हुआ है। हमने ये भी पूछा कोई धमकी दे रहा हो या पैसा मांग रहा हो या आपसे दूध मांग रहा हो, सबों ने इनकार किया। एक तो काम को सर, तो सर। भी तो भी यदि तो भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटी हो, ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पूरा बहुत विशाल इलाका है, यदि घटना घटी हो तो वो थाना है, थाना में उन्हें FIR दर्ज करनी चाहिए थी, थाना में FIR दर्ज करें ताकि हम फिर अग्रतर कार्रवाई कर सकें। कल को गिरफ्तारी होगी, कल को फिर उसका स्पीडी ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन होगा। भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत अगरपुर माछीपुर पंचायत में मनरेगा योजना के तहत पशु शेड और वृक्षारोपण में भारी अनियमितता सामने आई है। इसको लेकर पंचायत के मुखिया और लाभुकों द्वारा गोराडी कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार रोशन को लिखित आवेदन देकर मामले में अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि मनीष कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पशु शेड का लेबर पेमेंट मिल गया है लेकिन मटेरियल का पेमेंट नहीं मिला है, जबकि पूर्व में जिसे पशु मिला था उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि लाभार्थियों से कमीशन के रूप में बड़ी रकम ली जाती है और वर्तमान में इससे जुड़ा सारा डॉक्यूमेंट गायब कर दिया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण में किसी को गेवियन मिला है, 90% लाभुकों को चापाकल नहीं मिला है और गेवियन 80% लोगों को नहीं मिला है, जबकि 20% लोगों का वृक्ष ही गायब हो गया। वहीं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा लाभुकों से 10,000 रुपया लेने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार रोशन ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम समस्या ये है, किसान लोग का मनरेगा जो है बंदर बांट कर दिया है, खाली यहाँ रुपया दीजिए काम करवाइए, और हम लोग का रुपयो ले लिया ना काम हुआ है। हम लोग बना के शेड गाय तक बेच दिए, उसके ब्याज भरते भरते 1 टका पैसा नहीं मिल रहा है। समस्या यही है कि वृक्षारोपण में हम लोग को जो है गेवियन नहीं मिला है और चापा कल जो है नल जो है वो नहीं मिला है, अब पेमेंट भी साल भर से लगभग रुका है। समस्या है मनरेगा, मनरेगा में पशु शेड, वृक्षारोपण और भी समस्या है। पशु शेड में जो है लेबर का पेमेंट मिल गया है और पेमेंट नहीं मिला है। पूर्व में जिसको पशु शेड मिला था उसको लेबर का पेमेंट मिल गया था, उसको नहीं मिला। सुनने में आया है जो लाभार्थी हैं कि हमसे जो है पीसी क्या होता नहीं पता, लेकिन पैसा जो है पूर्व में जो है जिसको देना था दिया। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय का विवादों से गहरा नाता रहा है। पिछले दिनों Part 3 एग्जाम की तिथि बढ़ाने को लेकर जहां छात्रों ने हंगामा किया, जिसके कारण दिन भर विश्वविद्यालय परिसर पुलिस छापनी में तब्दील रहा, वहीं सोमवार को आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इस दौरान आयशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि Part 1 के प्रमोटेड छात्र छात्राओं को Part 3 की परीक्षा को लेकर फॉर्म भरने दिया जाए, जिससे अभी चल रही Part 2 और Part
वन की परीक्षा के बाद प्रमोटेड छात्र छात्रा पार्ट थर्ड की परीक्षा में शामिल हो सके। इसके अलावा ऐसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सभी छात्र पार्ट वन से प्रमोटेड हैं, इसलिए उनकी मांग है कि इन लोगों को पार्ट थर्ड का फॉर्म भरने दिया जाए। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रमोटेड है, पार्ट थर्ड में फॉर्म भरने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी बहुत छात्र एग्जाम दे चुके हैं, फॉर्म भर दिए, एग्जाम चल रहा है पार्ट वन का, इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, पार्ट थर्ड का फॉर्म ये लोग प्रमोटेड के कारण फॉर्म भरने नहीं दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पार्ट वन प्रमोटेड को पार्ट थर्ड में फॉर्म भरने की अनुमति दिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार से बच सके, एक साल बर्बाद होने से बच जाए। एक तो विश्वविद्यालय का सेशन लेट है और विश्वविद्यालय जल्दबाजी में रिजल्ट बिना निकाले पार्ट थर्ड का फॉर्म भरवा रही है। पार्ट वन का अपन रिजल्ट नहीं निकला है, जो प्रमोटेड छात्र उसका रिजल्ट निकल जाएगा तो फॉर्म भरवाइए, लेकिन फॉर्म नहीं भरवा रहा है, इसी का मांग को लेकर हम लोग। रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाने और संपार क्रॉसिंग के दौरान लोगों को संवेदनशील बनाने को लेकर मालदा मंडल की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर पूर्व रेलवे के मालदा मंडल ने रेलवे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, रेलवे सुरक्षा बल और स्काउट एंड गाइड्स की मदद से रेलवे क्रॉसिंग गेटों पर सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि दुर्भाग्यवश जब रेलवे के नियमों का पालन करने की बात आती है तो यात्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वे बिना संकोच किए रेलवे क्रॉसिंग के नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि कानून बने हुए और पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यात्री इससे कोई सीख नहीं लेते हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। वहीं इस दौरान बंद लेवल क्रॉसिंग से अवैध रूप से गुजरने वाले यात्रियों के साथ आम लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया, जिससे इस तरह की घटना पर लगाम लगाया जा सके। मालदा मंडल के विभिन्न खंडों के अलावा रेलवे प्रशासन ने सोमवार को साहिबगंज में जनता को जागरूक करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक अभियान चलाया। रेलवे प्रशासन ने जनता के साथ पैम्फलेट और हैंडबिल भी साझा कर जागरूक किया, साथ ही लोगों को लाइन पार करने के लिए भूमिगत मार्ग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों का ख्याल रखने पर जोर दिया गया। बिहार के भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत बांका बौसी स्थित मंदार पहाड़ी की तलहटी से निकाली गई बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भागलपुर पहुंची। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंदार पर्वत से समूह मंथन हुआ था, जिससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, और उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर अमृत की तलाश गाँव गाँव और शहर शहर जाकर की जा रही है। वहीं इस दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करते हुए नेताओं ने कहा कि 2022-23 में निकाला गया भारत जोड़ो आंदोलन देश में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जो सद्भाव बिगाड़ा गया है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर हर जनता त्रस्त है, लेकिन हमारे भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ ही लोगों की चिंता है, जिसके कारण कि पूरे देश तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। जो कि हिंदुओं को कहते थे कि तुम विदेशी सेना में ब्रिटिश के सेना में आप ज्वाइन करो, किसके खिलाफ बोलते थे वो हमारे ही देश के सेना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश मूवमेंट में फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे, हम देश के सारे लोग उस साम्राज्य को हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो महासभा, वो आरएसएस के लोग हमारे ही लोग को कहते थे 1942 में कि आप ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करो। तो अब आप देखें, जब उतनी समय बीत जाने के बाद भी आज आरएसएस का चेहरा बदला नहीं, आज आरएसएस का चेहरा क्यों नहीं बदला? अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति सदस्य बनने को लेकर भागलपुर के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। भागलपुर के स्थानीय होटल में हुए समारोह में चिकित्सा के साथ सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह को आम नागरिक के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के कई संस्थान से जुड़े कई समाजसेवी चिकित्सकों और शिक्षाविद ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह भागलपुर के आइकॉन हैं, जो न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा समाज के हित में कुछ नया करने का प्रयास करते दिखते हैं। कि आप लोगों को मालूम होगा, भारतीय खाद्य निगम का हमें सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है और जब उतना बड़ा पद हमें भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और इसमें कहीं न कहीं शहरवासियों का, अपने प्रियजनों का, अपने संस्था के लोगों का हाथ रहता है, तो आज उन्होंने हमारे लिए एक उत्सव सा माहौल तैयार किया है और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। मैं तो सिर्फ आज उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस मौके पर हमें सम्मान करने का सोचा। बिहार के छपरा में आयोजित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 64वें प्रांतीय अधिवेशन में कुणाल पांडे को भागलपुर बांका का विभाग से संयोजक बनाया गया है। वहीं भागलपुर के रहने वाले कुणाल पांडे को एवीपी भागलपुर बांका का विभाग से संयोजक बनाए जाने पर परिषद के सदस्यों और समर्थकों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को भागलपुर स्टेशन पहुँचने पर छात्र नेता कुणाल पांडे और जिला संयोजक रोहित राज का भागलपुर के समाजसेवी विजय यादव, भाजीओमो बांका जिला प्रभारी पांडे समेत पूर्व छात्र नेताओं ने फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर कुछ पांडे ने कहा कि कुणाल ने सदैव छात्र हितों के लिए आवाज उठाने का कार्य किया है और वे उभरते हुए क्रांतिकारी छात्र नेता है जो अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरीके से निर्वहन भी कर सकते हैं। वहीं समाजसेवी विजय यादव एवं संतोष कुमार ने भी कुणाल पांडे को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। 64वें प्रांत अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांका व भागलपुर के विभाग सह संयोजक बनाने पर कुणाल पांडे को हम लोगों ने आज स्टेशन चौक पर उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। एक क्रांतिकारी छात्र नेता को इस दायित्व पर पहुंचने पर पूरे भागलपुर वासियों में, हम लोगों में, युवाओं में खुशी की लहर है और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांका व भागलपुर इकाई इनके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। नवगछा में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा 18 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले 111वें महाअधिवेशन को लेकर महासभा के पदाधिकारियों ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान अखिल भारतीय वार्षिक महाधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण देते हुए महासभा के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया और बिहार के विकास के लिए बेहतर कार्य करने की बात कही। उपमुख्यमंत्री से मिलने गए महासभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ युवा राजद बिहार प्रदेश के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव, संतमत समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार कानोडिया, सचिव अजय किशोर यादव और पंकज बाबा समेत कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।